सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में खासकर जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट लेकर आरसीबी की टीम को परेशानी में डालने का काम किया। आखिरी ओवर में आरसीबी को 17 रनों की जरूरत थी। शुभम दुबे ने आखिरी ओवर में मलिंगा की पहली ही गेंद पर छक्का जमाकर मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी गेंद पर शुभम दुबे का बुमराह से कैच छूट गया और मौका पाकर दुबे ने 1 रन लेकर एबी डिविलियर्स को स्ट्राइक पर पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर एबी डिविलियर्स सिर्फ 1 ही रन बना पाए, जिसके कारण शिवम दुबे एक बार फिर से स्ट्राइक पर पहुंचे। चौथी गेंद पर दुबे फिर से बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और इस गेंद पर भी 1 ही रन बना। ऐसे में आखिरी 2 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी और अब एबी स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर एबी भी कोई खास कमाल नहीं कर सके और इस गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना। अब आखिरी गेंद पर शिवम दुबे स्ट्राइक पर थे और मलिंगा सामने गेंदबाजी आक्रमण पर। मैच की आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन शिवम दुबे 6 रन नहीं बना पाए और इस तरह से मुंबई इंडियंस 6 रन से मैच जीतने में सफल रही और एबी डिविलियर्स 70 रन बनाकर नाबाद रहे। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहां पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।